हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी न्यू वीडियो में। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात में क्यों ब्लॉग शुरू कराया, तो मैं आपको सब गाड़ी में बैठ कर बताऊंगा, क्योंकि मैं अर्जेंट अभी कहीं बाहर जा रहा हूं, तो सारी पैकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है। खाने में दिखाता हूं आपको है क्या, फिर उसके बाद खाना खाता हूं, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा वगैरह, फिर उसके बाद रेडी होकर फिर मैं निकलता हूं जयपुर के लिए। तो आपको जयपुर बताऊंगा मैं क्यों जा रहा हूं। आपको दिखाता हूं मेरे लास्ट स्वादिष्ट भोजन में है क्या इस महीने का। तो ये है चावल, और इसमें है राजमा वगैरह, और इसमें है शाही पनीर की सब्जी। तो ये सब अभी घर पे ही बनाता, तो अभी पहले मैं खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ। जल्दी मेरा खाना पीना हो चुका है, बिल्कुल डन। अभी गाड़ी आ रही होगी तो मैं उसमें पेट्रोल भरवाने जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आऊँगा। फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी करके हम 10 हो सकता है रात में 1 या 2 बजे करीब। अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि रात हो जाएगी, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप को खुला नहीं मिलेगा। तो गाइस, अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। तो अभी मिलते हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल फुल हो गई है 2900 रुपये की। तो गाइस, हमारी पेट्रोल हो चुकी है फुल, अब हम जाते हैं घर पे, फिर अभी उसके बाद गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद रात में हम निकलते हैं। गाइस, मैं पेट्रोल लगा के आ गया था, उसके बाद फिर मैंने एक नैप ले ली, उसके बाद मैं बस नहा के आया हूँ, अभी बस रेडी हो रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे सिर्फ 5 मिनट। तो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, बाल को माइंड मत करना, क्योंकि अभी बाल मैंने ड्रायर करने की सोची थी, वो ड्रायर खराब हो गया एंड टाइम पर। बट मैं आपको एक यूजफुल बात बताना चाहता हूँ, अभी मैं रात में 8 बजे गया था, तो अभी ये मास्क लेके आया था, मुझे अर्जेंट था, तो इसलिए मैं मास्क लेके आया था। ये मुझे मास्क मिला था 150 का। ये मास्क होलसेल में दुकानदार को सिर्फ 75 का मिलता है, और वो 150 का बेच रहा है, इतना कुछ अच्छा भी नहीं है मास्क ये। इससे बढ़िया तो मैं पीटर इंग्लैंड जाके ले लेता, क्योंकि वो अच्छा भी होता है मास्क, और इतना चलता भी है, और ये तो मात्र 2-3 दिन में फट के बेकार हो जाएगा। मुझे थोड़ी नीड ज़्यादा थी, इसलिए मैंने हैंड टू हैंड 150 रुपये करके ले लिया, क्योंकि लोकल मास्क भी रखे थे मेरे पे, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने ये ले लिया। आप लोग जाओ तो एक बार मार्केट वाले से बात करना, कहना 75 के मिल रहे हैं भाई, 150 का नहीं देना। गाइस, ये मास्क लगा के कुछ ऐसा ऐसा लग रहा हूँ, होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आवाज़ आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यह चैकेट आवाज़ आ रही है। तो बस 115 हो गए हैं, 120 पर गाड़ी आ जाएगी, फिर हम चेक निकलते हैं जयपुर के। गाइस, फाइनली इतनी वेट करने के बाद गाड़ी आ चुकी है, और बारिश भी हो रही है बहुत तेज, और अभी हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। जब हमें निकले हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, और अभी बज रहे हैं 2 बज गए हैं, तो अभी 2 बजे हम अच्छे से निकल पाए हैं अभी कासगंज से। रोड थोड़ा बेकार चल रहा है, तो अभी हम आगे जाके मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, और जो मैं जयपुर जा रहा था, किस लिए जा रहा था, वो आपको ब्लॉग के एंड में बता दूंगा। अभी मैंने 1-2 घंटे की नींद ले ली थी, तो उसके बाद पूरा बारिश वारिश हो गया, हमारी कासगंज से लेकर मथुरा तक हमारी बारिश ने साथ ही छोड़ा है, पूरा बारिश वारिश चल रही है। आई होप सब ठीक हो गया, पता नहीं कैसे चले। गाइस, अभी हमने लिया था अपना फर्स्ट ब्रेक भरतपुर से पहले, क्योंकि बारिश बहुत पड़ रही है, हमने सोचा कि चाय पी ली जाए, तो हमारी ये चाय आ चुकी है यहाँ पर। ये अभी मैं भी चाय पीऊँगा, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ खाने के लिए ना मिलना है, ना पानी पीना है, ना कुछ पीना है, बट यही जो है वही है उस मेरा। तो अभी बस जल्दी से चाय पीते हैं, फिर बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं जयपुर। गाइस, अब हम भरतपुर के बाद अब नेशनल हाईवे पर चढ़ गए हैं, अब थोड़ा दिन भी निकलने लगा है, बारिश बिल्कुल कम ही नहीं हो रही है। राजस्थान में भी हम एंटर कर गए थे, थोड़ा बहुत देर के लिए बारिश बंद हुई थी, बट बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। और मैं आपको एक सेटअप दिखाता हूँ। गाइस, मैंने सेटअप कर रखा है ये टाइम लैप्स के लिए, आपके लिए बनाया है मैंने टाइम लैप्स, कुछ देर का है बस। फास्टेस्ट ट्रैफिक का बनाया था, क्लाउड का बनाया था, बट रेनिंग के मारे इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ी देर के लिए टाइम लैप्स बनाया था, आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर दूंगा, क्योंकि से भी आज 7 से 8 बजे के बाद तो फिर मैं स्टोरी अपडेट करूंगा नहीं, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये साइड में आ रहा होगा लिंक, तो जिससे मेरी सारी स्टोरी आपको पता चलती जाए कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। थैंक टू गॉड, हमारे साइड के बादल थोड़े ठीक हो गए हैं, बट ये इधर साइड पूरे ब्लैक बादल हो चुके हैं। साइड इधर साइड तो बारिश आ भी रही होगी, बट यहाँ पे अभी जस्ट बारिश बंद हुई है थोड़ी देर की। तो गाइस, फाइनली पूरा दिन भी निकल गया है, और जिस व्यू का मुझे इंतजार था वो अब थोड़ा थोड़ा दिखना भी स्टार्ट हो गया है, जो माउंटेन्स का व्यू है, जिसके लिए हम बहुत सालों से तरस गया था मैं, क्योंकि कहीं जाने का प्लान ही नहीं हो पाता था, ना हम देख पाते थे, बट अब माउंटेन्स आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको एक बार माउंटेन्स दिखाता हूँ। जो आगे मूड है वही है बालाजी के लिए, अंदर जाकर यहाँ मेहदीपुर बालाजी आ जाते हैं। गाइस, अगर टाइम होता हम पे तो कहीं ना कहीं हम जरूर घूमने जाते, या फिर बालाजी वगैरह, या फिर और भी कहीं घूमने जाते, बट हमें अपनी डेस्टिनेशन पे 7 या 8 बजे से पहले पहुँचना ही है,
बारिश इतनी तेज़ हो चुकी है कि कुछ सामने का दिख नहीं रहा है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं भी देख सकता हूँ, कुछ सामने का नहीं दिख रहा, पता नहीं गाड़ी कैसे। और से यही है कि जब तक हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पर तब तक ही बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिश रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि बारिश कितनी तेज है, तब आपको पता चलेगा कि एक घंटा हो चुका है बट ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यहाँ पर। नहीं तो मैं गाने में सुना था कि जानी ने रो रो के समंदर बढ़ती है, अब यहाँ से रोड बनने का भी इरादा है। गाइज आपको ये माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए, इट मीन्स हम जयपुर में अब आ चुके हैं। इसे एक टनल है उसे क्रॉस कर दिए, हम मेन जयपुर में आ चुके हैं। टनल के अंदर ये पूरी टनल जा रही है सीधे अंदर, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, इधर देख भी नहीं रहा है आगे तो। ये वाला घाट गेट है, अच्छा इसके बाद पड़ेगा सांगा नीरी गेट। फाइनली वी रीच अवर लोकेशन।